जी मेरी फर्जी तरीके से FIR करवा दी, मेरी ससुराल वालों ने मेरी फर्जी तरीके से FIR कर दी, जबकि मैं 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कोर्ट में ही मौजूद था और मेरा पहले से ही इन लोग के साथ केस चल रहा है। जो महिला है संगीता सोनी, इसकी पहले से ही 2009 से शादी हो रखी है। फर्जी तरीके से इन लोगों ने मुझसे तथ्यों को छुपाते हुए मुझसे शादी की है। इन लोगों का काम ही है शादी करना, और ये जेवर एवर लेके पैसे लेके भाग जाती है और झूठे केस लगाने लगती है, फंसाने लगती है। इन लोगों का ये बिजनेस ही है। राज सोनी और दिनेश सोनी, राकेश सोनी, शिव शंकर सोनी, ये लोग नौगांव के रहने वाले हैं। कदौरा उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों के घर हैं। दो दो जगह से नाम बदल के, पहचान बदल के, स्थान बदल के मुझसे शादी की। इन लोगों का ये बिजनेस ही है, और इस वजह से मेरे माता पिता भी पैरालिसिस हो चुके हैं। एक घटना मेरे साथ में हुई है, मेरी 2 साल की बच्ची है, 3 साल की। जब बच्ची का जन्म हुआ तब ये छोड़ के भाग गई थी बच्ची को। आज भी मैं बच्ची को पाल रहा हूँ। मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लमें हैं और इन लोगों का ये बिजनेस है। कितने वर्ष हो गए आपके शादी के? मेरी शादी को 3 साल हो गए। 2018 में 25 फरवरी 2018 को मेरी शादी हुई थी। आपकी धर्मपत्नी अब कहाँ रहती है, क्या है? वो अपने पहले पति के साथ में रह रही है, कहाँ रह रही है मुझे नहीं मालूम। वो लोग मेरे यहाँ से जैसे ही मुझे इस चीज़ की भनक लगी कि पहले से ही शादीशुदा है, उसने जेवर पैसे नगद उठाए, दिनेश सोनी, राकेश सोनी आए, उन लोगों के साथ में निकल गई। मैं घर पे नहीं था और मेरे पिताजी भी घर पे नहीं थे। मेरी माँ पैरालिसिस है तो मेरी माँ घर पे थी उस समय, वो निकल गई। मैंने SP ऑफिस में भी ज्ञापन दिया था, DIG ऑफिस में भी ज्ञापन दिया था, सिटी कोतवाली में भी ज्ञापन दिया था। मैं न्याय चाहता हूँ। मेरी ये फर्जी तरीके से जो FIR दर्ज की है, मेरा केस चल रहा है कोटम न्यायालय में, उसको काटा जाए, ये FIR काटी जाए मेरी। किस तरीके की FIR दर्ज हो गई आपके ऊपर, क्या केस लगाए? उन लोगों ने ये लिखा है उसमें कि मतलब मेरी गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़े, कांच तोड़े, जबकि मैं 12 बजे से 4 बजे तक कोर्ट में ही मौजूद था। उस दिन हम लोग की पेशी थी, वो संगीता सोनी भी वहीं पर आई थी और मैं भी आया था, हम लोग वहीं पर मौजूद भी रहे। आप न्यायालय में जानकारी कर सकते हैं, ये फर्जी FIR कर दी।